तो ये है आज का कैरेटिन स्मूथ क्रीम, घर पे बनाया हुआ, बहुत आसानी से बना सकते हो जस्ट 20 रुपए में। यकीन नहीं हो रहा है, 20 रुपए में, 20 रुपए में आप बना सकते हो सिल्की स्मूथिंग हेयर। ये एक बहुत अच्छा कंडीशनर भी है और कैरेटिन ट्रीटमेंट भी है। ओके, चलते वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले लेना है 8 से 10 भिंडी। हाँ, भिंडी, वही भिंडी जो हम सब्जी में खाते हैं, कोई ओकरा बोलते हैं, कोई लेडी फिंगर बोलते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरह साफ कर लेना है, क्योंकि साफ करना है। और भिंडी जब भी लेते हो, सीधे भिंडी ले, टेढ़े मेढ़े भिंडी नहीं लेना है। टेढ़े मेढ़े भिंडी में कीड़े लगे हुए सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह आपको चेक कर लेना है। साफ करने के बाद इनको हम करेंगे छोटे छोटे स्लाइसेस, छोटे छोटे काटने। काटते वक्त भी ध्यान दें स्पेशली, जैसे कि सबसे पहले ऊपर का भाग जो निकाल देंगे, जिसमें मतलब क्या डेंठा बोलते हैं या भेंटा बोलते हैं कोई लोग, उसको निकाल देंगे हम। उसको निकालने के बाद इसको बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में काटते हैं। स्लाइसेस काटते वक्त भी ध्यान देना है कि अंदर की तरफ कीड़े लगे हैं कि नहीं। ओके, जब भी कीड़े लगे होते हैं वो भिंडी को यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें पता नहीं, अभी जब इसमें जैसे भिंडी है, भिंडी में विटामिन ए रहता है, विटामिन सी रहता है, फॉलिक एसिड रहता है, बायोटीन रहता है, कैल्शियम रहता है और बहुत सारे मिनरल्स हैं ऐसे। साथ में ये बालों के लिए, मतलब एज अ हम खाते हैं तो भी हमारे बाल अच्छे होंगे और एज अ लगाते हो तो भी बाल अच्छे होंगे। तो मैं ऐसे भिंडी काट रही हूँ ताकि हम जब भी मैं काटती हूँ, पलट रही हूँ, तो उसमें देखने के लिए कीड़े लगे हैं कि नहीं। जो कीड़ा लगा हुआ है उसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मुझे कोई भी एक भिंडी कीड़े लगे हुए नहीं मिले। तो एक पैन ले लेंगे, पैन में ये भिंडी डाल देना है आपको। ओके, और पैन में भिंडी डालने के बाद आपको लेना है 2 कप पानी। ओके, इनको उबाल लेना है। जब भी उबालोगे 1 कप पानी तक उबालना है। तो ओके, तो भिंडी के और भी बहुत सारे हेल्दी रेमेडीज है, जैसे कि शुगर के लिए हो गया, ब्लड प्रेशर के लिए हो गया, स्किन के लिए हो गया, पिंपल्स के लिए हो गया, डैंड्रफ के लिए हो गया, बहुत सारे रेमेडीज है, वो रेमेडीज बाद में बताएंगे। तो अभी हम डाल लेते हैं 2 कप पानी और इनको अच्छी तरह गैस में रख लेना है। गैस में हम उबाल लेना है। अभी उबाले, कब तक उबालना है इनको? इनको उबालना है जब हमने 2 कप पानी डाला है, तो 1 कप पानी तक हमें इनको उबालना है। ओके, तो उबालते वक्त भी ये ध्यान रहे कि मतलब बहुत पक जाए या बहुत गीला हो जाए या पानी सूख जाए, ऐसा नहीं रहना है। और बीच बीच में आप हिलाते रहिए भिंडी को, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत चिपचिपा रहता है और मतलब पूरा बर्तन के बाहर भी। इसको ऐसे 10 मिनट तक उबाल लेना है ताकि आपका पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो ये है हमारा भिंडी का, हो गया है 10 मिनट तक उबल गया है और पानी भी आधा हो गया है। और थोड़ा उबलने देंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये है हमारा भिंडी पक गया है, इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही भिंडी का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, सबको आपको डाल देना है मिक्सर में, और मिक्सर में डाल के पीस लेना है। इसका मतलब एक शेक, मिल्क शेक जैसा, जूस जैसा बन जाएगा, वो बना लेंगे। ठीक है, तो हम मिक्सर में डाल रहे हैं और इसको कर देंगे हम मिक्सर। और मेरा मिक्सर बहुत क्यूट है, छोटा सा मोटा सा, इसको मिक्सर में डाल देंगे। तो हमने निकाल लिया है भिंडी को मिक्सर में से, लग रहा है ना फुल टू मिल्क शेक, कीवी मिल्क शेक, ग्रीन ग्रीन लग रहा है। किसको किसको खाना है प्लीज कमेंट करना ना भूले। आप लोगों के कमेंट ही नहीं आते, मुझे अजीब लगता है। कमेंट फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगते, तो प्लीज कमेंट करना ना भूले। तो ऐसे पेस्ट बन जाएगा। अभी इसको छान लेना है। छानने के लिए आप चाय छन्नी वगैरह लेते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो हो सके तो ऐसे कॉटन का, मैंने कॉटन का रुमाल लिया है, कॉटन का कोई भी साफ सुथरा कपड़ा ले, साफ सुथरा ही लेना है। ओके, तो ऐसे इसको डाल लेंगे पूरा का पूरा। और लेकिन हमारा कैमरा का एंगल थोड़ा बहुत गड़बड़ था, तो मैं ऐसे उल्टा से डाल रही हूँ। फिर इसको निचोड़ लेना है। निचोड़ते मैंने ग्लोव्स क्यों पहना है, क्योंकि बहुत सारा इतना चिपचिपा होता है ना पूरा हाथ बीच में धोने के लिए, तो इसलिए ग्लोव्स पहना है। एक तो हाइजीनिक हाइजीन के लिए पहना था, और एक अपने हाथ मतलब थोड़ा चिपचिप वगैरह ना हो बोल के। ओके, तो इसको ऐसे डाल के पूरा
हम क्या कर लेंगे, निचोड़ लेंगे। और निचोड़ते वक्त ना वो वीडियो देखोगे ना, बाप रे इतना सेटिस्फाइंग वीडियो बनाते ना लोग, केक का वगैरह दूसरा वगैरह सब बहुत अच्छा है, सब निकलता है पच 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 करके। आई लव दैट। ये देखो बहुत अच्छी तरह निकलेगा। अब मुझे लगा था कि भिंडी बहुत चिपचिपा है तो निकलेगा कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरह निकला। और ये एकदम इतना जेली जैसा था ना, इतना सॉफ्ट, अगर पर्स में डाल दे कोई इसके ऊपर पैर रख जाए तो गया भाई वो तो ऐसे पूरा निकाल लेना है। अब मैं दिखाती हूँ कि अंदर भिंडी में मतलब क्या बचा है। भिंडी में बहुत थोड़ा ही बचा है, देखिए ऐसा। तो पूरा ऐसे हमने इसका पूरा जूस निचोड़ नाचोड़ के निकाल लिया। तो अभी एक कटोरी में थोड़ा बहुत पानी लेंगे और पानी में ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च। ओके, इसको हम पतला कर लेंगे पानी में। ये क्या करेगा, आपके जो क्रीम को है, आपको जो ये जो कैरेटिन क्रीम बना रहे हैं हम, उसको थिकनेस करेगा, मतलब गाढ़ा बनाएगा, एक क्रीमी स्ट्रक्चर देगा। साथ में जब ये होल्ड में, साथ में जैसे आप बालों में लगा के स्ट्रेट करोगे तो इसको होल्ड, सूखते तक हमें रखना है, तो होल्ड करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कॉर्न स्टार्च। अब इसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च का जो पानी बनाया था वो। धीरे धीरे ऐड करना है, फटाक से नहीं ऐड करना है, नीचे जाके लिट्टे बन जाएंगे। फिर बोलोगे दीदी हमारे तो लिट्टे हो गए, आपके नहीं हुए थे, आपको जो फेक वीडियो बनाते हो। ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने सब कुछ बता रही हूँ। तो इसमें धीरे धीरे ऐड करते रहना है, मिक्स करते रहना है, ऐड करते रहना है, मिक्स करते रहना है। ओके, इसे टप टपाते करके, और उसी के बाद जैसे आप हिलाते रहोगे वैसे वैसे वो थिक थिक होते जाएगा। ओके, देखिए अभी ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है ना, टेक्सचर देखो ना उसमें, ग्रीन और वाइट में क्या टेक्सचर, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। मैं कभी भी वीडियो बनाती हूँ बहुत इंजॉय करके बनाती हूँ। अब आप देखते वक्त इंजॉय करते हो कि नहीं वो आपके आपका मामला है। तो ऐसे थिक थिक बन जाएगा, बबली बबली सर का, ये वो स्लाइम जैसा नहीं रहता क्या बच्चे लोग खेलते हैं, वैसे बन गया था। ये हो गया है बंद, अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम दो इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे, तो इसलिए वीडियो फुल देखते रहना है, मैं इंग्रेडिएंट्स के नाम पहले नहीं बताने वाली हूँ। तो ये जो दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, ये ऐड करने से पहले इसको ठंडा होने देना है, क्योंकि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं वो ठंडे के साथ रिएक्शन हो सकता है, उनके जो भी मतलब क्वालिटी है वो डाइल्यूट हो सकता है। जैसे कि हम इसमें ऐड करने वाले हैं, क्या ऐड करने वाले हैं, आपने बॉटल देख लिया है तो पता चल गया होगा, ऑब्वियसली आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, बादाम का तेल हम यूज़ करने वाले हैं। बादाम का तेल आलमंड नहीं हो तो कोकोनट ऑयल लगा सकते, यूज़ कर सकते हो सिसमिन ऑयल, तिल का तेल यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसमें लेना है कितना, 5 ml। मैं ये 200 ml का जार बना रही हूँ, उसमें लिए आप 5 ml क्या करना है, आलमंड ऑयल ले लेना है, और 5 ml सीक्रेट इंग्रेडिएंट नंबर 2 वो लेना है। वो क्या है पता है, वो आपके मतलब जो स्कैल है उसको नरिश करेगा, बालों को नरिश करेगा, शाइन करेगा, और आलमंड ऑयल से मतलब SPF जो नेचुरल SPF है वो 5 रहता है, तो वो भी आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है इसमें। तो ये है विटामिन ई ऑयल, आप चाहिए तो कैप्सूल भी ले सकते हो, उनको 4-10 जितना लीजिए। तो ये मेरे पास तो डायरेक्टली विटामिन ई एसेंशियल ऑयल है, तो मैं ये डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। ये 5 ml ले लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमने गर्मी में क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो डाइल्यूट हो सकते हैं बोल के हमने गरम गरम में हमें इसको मिक्स नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ही मिक्स करना है। तो इसको अच्छी तरह डाल के मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। आप चाहिए तो मतलब जो हैंड ग्राइंडर रहता है उससे भी कर सकते हो, तो मेरे पास ये है मिक्स करने के लिए, तो इससे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। और मिक्स करने के बाद इसको आप करीबन 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो। आप ये करने के बाद आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है, बाल सिल्की होंगे, स्मूथ होंगे। साथ में आप स्कैल में जड़ों तक लगा सकते हो ये, और स्कैल हेल्दी होगा तो उसके लिए आपको मतलब ये घर में बना सकते हो। और डैंड्रफ वगैरह है वो भी कंट्रोल होंगे, साथ में मतलब इचीनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम विटामिन ई आलमंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मिक्सर। अब ऐसे साफ़ सुथरे जार में आप पैक करके रख सकते हो, कांच का जार ही ले, प्लास्टिक वगैरह ना ले, कांच के जार में पैक करके आप 15 दिन फ्रिज में रख सकते हो, हफ्ते में 2 बार आराम से यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली। और ये चीज़ आप ना फेस में भी यूज़ कर सकते हो, फेस पैक की तरह, अगर किसी को एक्ने है, पिंपल्स है, उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ओके, एक पीलिंग मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसको सूखने देना है और साफ़ कर लेना है। तो इतना ही था आज का वीडियो, और आपको जो भी वीडियो चाहिए प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम इसको कांच के जार में पैक करें। देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखिए, जो भी प्रोफेशनल क्रीम है उससे तो कम नहीं है बाबा। अब मैं जब घर पे बना रही हूँ, मैंने हाथ से टच करके या मैं देख रही हूँ, तो मुझे तो बहुत एक प्रोफेशनल क्रीम की तरह दिख रहा है।
और लग भी रहा है, अगर आप भी बनाइए प्लीज, बना के बाद आप कमेंट करें आपने क्या बनाया, कैसे बनाया। आप लोग के कमेंट मतलब क्या होता है, ईद की चांद हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। कमेंट करें और सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो शेयर जरूर करना, ओके। और मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो कर सकते हो, मौज जोश में भी फॉलो कर सकते हो। मेरे मौज में मोर देन 5 लाख, हाँ 5 लाख फॉलोअर्स हो रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो ऐसे हो गया ये जार, आप स्टिकर लगा के इसको बेच भी सकती हो क्या, प्लीज कमेंट करें आप लोगों के, थैंक।